हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बेबोज किचन स्टूडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी, क्विक सी और यमी सी एग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाने के बाद आप कहोगे वाह बे वाह, मज़ा ही आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं डो रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने एक कटोरी व्हीट फ्लार लिया है और एग रोल्स को स्ट्रीट फूड का टेस्ट देने के लिए मैं इसमें 1/4 कटोरी मैदा ऐड कर दूंगी और ये थोड़ा सा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। डो रेडी करने के लिए मैं इसमें ल्यूक वार्म वाटर ऐड करूंगी। ल्यूक वार्म वाटर ऐड करने से क्या होता है कि जो आपका डो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और ये एग रोल्स को आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, एज अ स्नैक भी खा सकते हो और अपने डिनर में भी ले सकते हो। डो को मैंने अच्छे से नीड कर लिया है। एग रोल्स की फिलिंग के लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है और इन दोनों को मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। और जो मैंने डो रेडी किया है इससे मैं 3 पेड़े बना लूँगी। विंटर्स में मुझे तो एग खाने की बहुत क्रेविंग होती है, मैंने सोचा कि चलो आज अपने डिनर में एग रोल ही बनाती हूँ, जो कि जल्दी भी बन जाएंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे और इसके साथ साथ ये प्रोटीन रिच भी हैं। अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो आप इसकी जगह पर पनीर भी यूज़ कर सकते हो, पनीर रोल्स भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये जो मैंने 3 पेड़े बनाए हैं ना, इसकी मैं 3 चपाती बना लूँगी। और इसको आपने ऐसे रोल करना है कि ना ही ये ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। और आप इसको पराठा के फॉर्म में भी बना सकते हो कि इसकी दोनों साइड्स पर अच्छे से घी लगा के, बट मैंने यहाँ पर बहुत ही कम घी यूज़ किया है, मैं इसको पराठा के फॉर्म में नहीं बना रही हूँ, मैंने जस्ट लाइक चपाती के फॉर्म में ही बनाया है। और ये मैंने वेजिटेबल्स जो मैंने चॉप की हुई थी लेंथ वाइज, उसको मैं ना तवे पर डाल के बिना ऑयल के इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि इसका रॉ फ्लेवर चला जाए कैप्सिकम और अनियन का। और एक एग रोल रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं, जिसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और अब मैंने तवे को पहले ही प्री हीट कर लिया है, ये नॉनस्टिक तवा है, इस पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो मैंने 2 एग्स लिए थे ना, जिनको मैंने अच्छे से बीट किया था, उसको मैं ये तवा पर स्प्रेड कर दूँगी। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और ये जो चपाती मैंने बना कर रखी थी, इसको मैं ये जो एग स्प्रेड किया हुआ है ना, इसके साथ चिपका दूंगी। और हाँ, आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पर एग अच्छे से कुक हो गया है और एग्स का जो कुकिंग प्रोसेस रहता है वो बहुत ही फास्ट रहता है। और ये जो एग वाली साइड है ना, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टमाटो केचप डाल दी है और टमाटो केचप के साथ ही मैंने थोड़ी सी मायोनीज भी ऐड की है। मायोनीज ऐड करने से जो एग रोल्स का फ्लेवर है वो सुपर यमी आता है। और इसके साथ ही ये जो प्याज और शिमला मिर्च को मैंने रोस्ट करके रखा था वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसके साथ ही ये मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, चाट मसाला पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं स्पाइसेस। सुपर डिलीशियस एग रोल्स रेडी हो गए हैं और इसको मैं ये टूथपिक की हेल्प से ना रैप कर दूंगी। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ईयर में, 2022 में, नई नई वीडियोस के साथ। तो मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर.